नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम आज मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के युग के साक्षी बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम और हमारा देश तरक्की की राह पर है, उसी तरह से आपराधिक मानसिकता के लोग भी अपराध के नए नए तरीके खोज रहे हैं। आज का ये केस एक ऐसे जुर्म पर आधारित है जिसने पिछले 1.5 दशक में अपने पांव इस तरह पसार लिए हैं कि ये जुर्म कहीं भी कभी भी हम सब के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। हेलो, 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 हेलो। लेकिन हम तो अभी प्रेग्नेंट हैं और हमारी 3 महीने में डिलीवरी भी है, तो अगर हम आपके बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा मैम, मैंने बताया ना, हमारे बैंक में अकाउंट खोलने पर हमारा बैंक आपको 2 लाख का मेडिकल एक्सपेंस बेयर करेगा। अरे लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपकी बैंक में मेरा 10 साल पुराना अकाउंट है, इसको आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? सर बंद नहीं किया है, फ्रीज किया है। आपने अपना KYC अपडेट नहीं किया है। KYC वो क्या होता है? देखिए, आप अपना लेटेस्ट आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर अपडेट कर देंगे तो आपका खाता फिर से चालू हो जाएगा। जी जी, शुक्रिया। पर आपकी रिक्वेस्ट कंफर्म करने के लिए अपना डेबिट कार्ड नंबर बताइए। हाँ, माय कार्ड नंबर इज 1911-9090-1870। जी yeah. अब आपके क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर बताइए। आपके कार्ड के पीछे 60 डिजिट का एक नंबर होगा, उसमें से आगे के 4 नंबर किसी को नहीं बताने होते, लेकिन पीछे के जो 3 नंबर है जिसे CVV नंबर कहते हैं वो हमें बताइए प्लीज। या दैट आई नो, इट्स 456। ओके सर, बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करने के लिए आपको नया पिन जनरेट करना होगा। अब आप कार्ड के पीछे के 7 नंबर्स में से आगे के 4 नंबर्स में अपना पुराना पिन नंबर जोड़ के उसका टोटल मुझे बताएं। And total is 10254. अब आपके फोन पे एक मैसेज आएगा। हाँ, लिख लीजिए 6798। अब मेरा खाता चालू हो जाएगा ना? हेलो 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 हेलो, अरे ये क्या मैसेज है? 46,000 कट गया। हमने पैसा यूज ही नहीं किया, बैंक वाले बोल रहे हैं उन्होंने फोन ही नहीं किया था। हमें हमारा पैसा चाहिए। हमने कोई शॉपिंग की ही नहीं तो पैसा क्यों काटा? आपके बैंक के एग्जीक्यूटिव ने खुद हमसे डेबिट कार्ड नंबर मांगा। We are not duffer, we want our money back. जब मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं की तो मेरा पैसा क्यों काटा? इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आए दिन हम सबको आते हैं, और सिर्फ अशिक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे और जागरूक लोग भी इन फ्रॉड कॉलर्स के झांसे में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये कॉल्स कहां से आते हैं, कौन करता है, और आपकी खून पसीने की कमाई ऑनलाइन फ्रॉड्स के जरिए किन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है? आज का ये केस आपको इन फ्रॉड कॉलर्स की उस चक्रव्यूही दुनिया में लेकर जाएगा जिनकी चालाक और लुभावनी आवाजें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन इनके ज्यादातर चेहरे कभी भी वॉन्टेड क्रिमिनल्स के चेहरे नहीं बन पाते। और यही वजह है कि आए दिन ये लोग आपके नंबर पर बेखौफ आपके बैंक अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स मांगते हैं, और अगर आपने जरा सी भी असावधानी बरती तो आपका बैंक अकाउंट साफ। पिछले 2 सालों में ये लोग हमारा और हमारे अपनों का लगभग 200 करोड़ रुपया कहां ठिकाने लगा चुके हैं, इसे लेकर 22 राज्यों की पुलिस भी असमंजस में है। देश भर में इस तरह के फ्रॉड्स की शिकायतें और FIR हजारों में दर्ज हैं, और इनमें से सिर्फ 2 या 3% लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें अपनी पूरी रकम मिल पाई होगी।
लेकिन उन बेखौफ आवाजों को बेनकाब करने की कोशिश जारी है और आज का ये केस इसी मुहिम से जुड़ा है। मैडम सब काम हो गया, अब हम जाए? ठीक है जाओ। रुको सरोज दीदी, आज आपका पहला महीना खत्म हो गया है, अपनी सैलरी ले जाओ। मैडम नगद नहीं, चेक चेक दीजिए। पैसे हाथ में रहते ना खर्च हो जाते हैं। चेक? हाँ हम चेक में ही लेते हैं सबसे तनख्वाह। आपका बैंक अकाउंट भी है? हाँ, वो पिछले साल सरकार ने खुलवाया था ना हमारा खाता, जनजन जनधन योजना। हाँ वही, हमारा बेटा मानव हमें बैंक लेके गया था, तब तक अंदर से बैंक देखा भी नहीं था हमने। सरोज जी, अब आप हमारे DSM बैंक के ग्राहक हैं। ये लीजिए, ये है आपका अकाउंट किट और आपका ATM पिन आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा। ATM पिन? अम्मा हम बताते हैं, ये होता है ATM कार्ड। इसको ATM मशीन में डालते हैं तो मशीन हमसे 4 अंक का पिन मांगती है। उस पिन को जब हम डालेंगे तभी हमको पैसा मिलेगा, और वो ATM पिन किसी को बताते नहीं है। और जहां तक जो डाकिया पिन लेकर आता है ना, उस चिट्ठी को फाड़ देते हैं पिन को याद करके। सर हम सही बोले ना? बिल्कुल सही सरोज जी, एकदम ठीक समझा रहा आपका बेटा। तभी तो पढ़ा रहे हैं इसे, ताकि हमें सिखा सके। ये रहा आपका चेक, आज से हम भी आपको सैलरी चेक में ही दिया करेंगे। थैंक यू मैडम। देख बेटा सब सही लिखे हैं ना? कैसे हैं सरोज जी? बस ठीक। हाँ सब सही। मैनेजर मैडम है ना? है ना, जाके मिल लीजिए। मैडम जी आइए बेटा, वो हमने आपसे लोन के बारे में बात की थी। सरोज जी आप इनकम टैक्स नहीं भरती हैं और आपकी कमाई भी कम है। मैडम जी कमाई कम है इसीलिए तो लोन मांग रहे हैं ना। देखिए सरोज जी, बैंक आपको मॉर्गेज लोन दे सकता है। मॉर्गेज? जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, आपका कोई घर या फिर कोई गहना जिसे आप गिरवी रख सकें, उसके बदले में आपको लोन मिल सकता है। हाँ घर है ना हमारे नाम, तो उसे आप गिरवी रख के लोन ले सकते हैं हमसे। हम कल ही घर के कागजात लेके आते हैं। हेलो। हाँ बोल विभा, तबीयत पानी ठीक? हाँ हाँ अम्मा बिल्कुल ठीक है। वो दरअसल हमने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि हमें ना आपकी एक मदद चाहिए। मदद? लास्ट मंथ की स्टेटमेंट में भी यही प्रॉब्लम थी, मैंने कंप्लेंट भी किया था, उसको रिजॉल्व तो किया नहीं आपने, एक और स्टेटमेंट भेज दी। वी आर वेरी सॉरी सर, मैं आपकी कंप्लेंट फिर से ले लेती हूँ। पिछली कंप्लेंट अभी तक पेंडिंग है, एक और कंप्लेंट करने से क्या फायदा होगा? कैसे काम करते हैं आप लोग, कोई फॉलोअप नहीं करते हैं क्या? सॉरी सर, बट अगर आप हमारी सर्विस से खुश नहीं है तो यू कैन राइट अस ऑन बैंक ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट पेज। मुझे तो ना मैं अरे पर हम दिखाऊं नवीन हार्दिक, तुमने फिर से अपना क्रेडिट कार्ड दिया। मैं अपना डेबिट कार्ड दे रही थी ना। हस्बैंड के होते हुए वाइफ स्पेंड करे अच्छा नहीं लगता। साथ हार्दिक, यू नो दैट योर जॉब इज, और मैं इतना कमा लेती हूँ कि हम अपने एक्सपेंसेस बिना क्रेडिट कार्ड के बैक कर सकते हैं, तो फिर क्यों क्रेडिट कार्ड यूज करना? जो अभी मैंने स्वाइप किया है ना क्रेडिट कार्ड से, उसका पूरा का पूरा बिल मैं पे करूंगा, तो वह बोलने की जरूरत नहीं मुझे। हार्दिक तुम हमेशा मुझे उल्टा क्यों समझते हो? और क्या समझूं? हमेशा मैं जॉबलेस हूं कि तुम मुझे एम्बैरेस करते रहते हो, समझ क्या अपने आपको? मैं पे कर दूंगा बोला ना मैंने। चलो
हेलो, सर इस औरत का नाम सरोज त्रिवेदी है। सर ये इसी बिल्डिंग में फोर्थ फ्लोर में रहती है, लेकिन सर इसका घर अंदर से बंद है। इसकी फैमिली में कोई? सर पड़ोसी ने बताया कि इसकी एक बेटी है विवाह, जो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में रहती है, और एक बेटा है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है। सर ये दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। ये देखिए सर, कमरा अंदर से ही लॉक है। एक काम करो, तोड़ दो। सर पूरे घर की तलाशी लो, शायद यहीं से कोई क्लू मिले। सर वर्मा। जी सर। स्विच ऑफ है, वैसे चार्ज करो। जी सर। सर घर में ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि सरोज की हत्या हुई है, और ये कमरा भी अंदर से बंद था। कहीं सरोज ने आत्महत्या तो नहीं की? सर ये आपसे सरोज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बताइए। साहब चार पाँच घंटे पहले सरोज दीदी बैंक से लौटी थी। दिसंबर भैया कोई जुगाड़ किए हैं, कुछ ही दिनों में आपका सारा कर्जा चुका देंगे। हाँ चलो रखते हैं। अरे दीदी ऐसा क्या जुगाड़ कर रही हो कि दिसंबर का कर्जा चुका दोगे? अरे हमारे पास कहाँ खजाना है, ले देखे एक छोटा सा कमरा तो है, बस उसी को गिरवी रख देंगे और क्या। सरोज दीदी ने विशंबर से कर्जा लिया था जो कि वो चुका नहीं पा रही थी। तो विशंबर का दबाव डाल रहा था कर्जा लौटाने के लिए? जी साहब। और हाँ वो बैंक वालों से नाराज भी थी, थोड़ी देर पहले उन्हें कोसते हुए निकली थी। बैंक वालों से कर्जा क्या मांग लिया, असली काट भी छोड़ेंगे नहीं। दीदी क्या हुआ, किसको नहीं छोड़ोगी? अरे बैंक की बदमाशी ऐसे कैसे कर सकते, देखती हूँ मैं। और फिर पता नहीं दीदी कब आई और आके ये सब कर। सर सरोज का फोन ऑन हो गया, किसी मानव का फोन आ रहा है। मानव? सब मानव सरोज दीदी के बेटे का नाम है, वो दिल्ली में पढ़ता है। अम्मा आपको कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, आप कहाँ हो? मानव मैं सब इंस्पेक्टर सुशील सिंह बोल रहा हूँ, तुम तुरंत इलाहाबाद आ जाओ। इंस्पेक्टर? हेलो क्या? सर सरोज त्रिवेदी का पासबुक और चेकबुक मिला है अलमारी से। सर मैंने सरोज के बेटे और बेटी दोनों को इन्फॉर्म कर दिया, वो कल सुबह तक इलाहाबाद पहुंच पाएंगे। सरोज की पड़ोस वाली औरत ने बताया कि सरोज का बैंक वालों से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी तो बैंक बंद हो गया होगा, सुबह उनसे मिलते हैं। फिलहाल सरोज से कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और उस विशंबर का भी पता करो सरोज ने जिनसे कर्जा लिया था। हो गया सर। ये होगी बिक। हार्दिक ये सारे बिल्स ना क्रेडिट कार्ड से पे कर देना, ठीक है? हेलो मैं अदिति सुमन INC बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ, क्या मेरी बात हार्दिक चिटनी जी से हो रही है? हाँ जी बोलिए। सर ये रिमाइंडर कॉल है, आपके क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट 25 सितंबर थी और आपका आउटस्टैंडिंग है 34,456। मैं जा सकती हूँ कि आपने पेमेंट क्यों नहीं की? अच्छा 27th, एक्चुअली मैं डेट भूल गया था, वरना मैं पेमेंट कर दूंगा। सर अगर आप पूरे पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं तो आप मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे कर सकते हैं,
और समय से पहले पेमेंट करें, इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। देखिए मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब मालूम है, कर दूंगा पेमेंट, रख दीजिए फोन। हेलो। हेलो सर, मैं दीपक तिवारी एलएनसी बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। सर आपने हमारे ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट पेज पे अपनी कंप्लेंट लिखी थी। जी किया था। देखिए पहले तो आप लोगों ने कॉल कर करके मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कन्विंस किया, अब उल्टे सीधे चार्जेस लगा के इतना बड़ा स्टेटमेंट बना दिया। सर सॉरी फॉर ऑल दिस, प्रीवियस स्टेटमेंट्स को लेकर जितनी भी अमाउंट का आपका कंसर्न है, आई मीन 3 लाख का, हम उस अमाउंट का आपको वेवर दे रहे हैं, मतलब माफ कर रहे हैं। जो पैसा मैंने यूज ही नहीं किया उसको वेवर का नाम देके एहसान मत झाड़िए। इस वेवर के साथ हमारा बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा के 10 लाख कर रहा है। ओके, एनीथिंग एल्स? सर इस क्रेडिट लिमिट पे आपकी कंफर्मेशन के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको शेयर करनी होगी। जी पूछे। सर आपके क्रेडिट कार्ड पे नाम क्या है? मोहित शर्मा। कार्ड की एक्सपायरी डेट? जनवरी 2022। ओके, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर? नाम बता दिया, अब एक्सपायरी डेट बता दी, कार्ड का नंबर क्यों जानना है आपको? सर मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ एंड दिस इज अ रिकॉर्डेड कॉल। आप मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो मेरे सीनियर्स द्वारा कंफर्म की जाएगी, उसके बाद ही आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाएगी। ओके वेट अ सेकंड। लिखे, कार्ड नंबर है 1972-6734-4560-9009। अपना क्रेडिट कार्ड कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। आपके कार्ड के पीछे 7 डिजिट का एक नंबर होगा, उसमें से आगे के 4 नंबर किसी को नहीं बताने होते, लेकिन पीछे के जो 3 नंबर हैं, जिसे CVV नंबर कहते हैं, वो हमें बताइए प्लीज। Yeah, that I know. It's 456. Okay, सर। बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करने के लिए आपको नया पिन जनरेट करना होगा। अब आप कार्ड के पीछे के 7 नंबर में से आगे के 4 नंबर में अपना पुराना पिन नंबर जोड़ के उसका टोटल मुझे बताए। And total is 10254. सर अब आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी पसंद का न्यू पिन जनरेट कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ओके थैंक यू, सेम टू यू। हाँ बोलो कुमार। सर मेरी विशंबर दास से बात हुई, जिससे सरोज ने कर्जा लिया था। वो बोल रहा है कि उसने सरोज पर कभी भी पैसा लौटाने का कोई दबाव नहीं डाला था। सरोज के बैंक वालों से बात हुई? सर मैं सरोज के बैंक ही जा रहा हूँ। ठीक है। सर ये मानव है, सरोज त्रिवेदी का बेटा। हमने चेक किया था, तुम्हारी माँ के नंबर से लास्ट कॉल तुमको की गई थी। क्या बात हुई थी माँ से? हाँ साहब, अम्मा ने हमको कॉल किया था। बेटा खूब मन लगा के पढ़ना, दीदी से मिलते रहना, पेट सी है ना। अम्मा हाँ ठीक है, लेकिन आप ये अचानक क्यों बोल रही हैं? अम्मा क्या हुआ यार, बताइए। कुछ नहीं, पता नहीं कल हम रहे ना रहे। अम्मा आप रो क्यों रही, मुझे बताइए। क्या बात है, मुझे बताइए आप। तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए हम। क्या गलत हो गया अम्मा, मुझे बताइए आप। अम्मा आप रो क्यों रही हैं? अम्मा अम्मा कुछ बोलिए आप। ध्यान रखना खुद का। अम्मा आप रो क्यों रही हैं? अम्मा कुछ बोलिए आप। पता नहीं फिर क्या हुआ, अम्मा कुछ नहीं बोली। अम्मा को हमने बहुत बार कॉल किया, फिर अम्मा ने कॉल भी नहीं उठाया। दरअसल सर, सरोजी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाहती थी हमारे बैंक से। आज वो अपने घर के पेपर्स भी लाने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कल उन्हें जो फ्रॉड कॉल आया था उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। किस फ्रॉड की बात कर रही हैं आप? सर सरोजी को कल एक फ्रॉड कॉल आया था और उन्होंने उसे अपना डेबिट नंबर, CVV और यहाँ तक कि OTP नंबर तक दे दिया था, जिसके वजह से उनके अकाउंट से 90,000 रुपीज़ डेबिट हो गए थे। और सर मैंने उनसे कहा भी था कि पुलिस स्टेशन जाकर वो FIR दर्ज कराए। हाँ सर, कल ये औरत यहाँ आई थी, बहुत ही घबराई हुई लग रही थी सर। बेटा थोड़ी मदद करोगे? क्या हुआ चाची? हम तो लुट गए, 90,000 चले गए हमारे बैंक खाते से। 90,000 कट गए, कैसे? वो
एक आदमी का फोन आया था बैंक से. उसने कहा हमारे बेटी का सिलीगुड़ी में बैंक का खाता खोलना है, इसके लिए हमें वो क्या कहते हैं उसे गारंटर हाँ वो बनना है. फिर उसने हमसे वो एटीएम कार्ड का नंबर पूछा और फिर एक मैसेज आया. चाची आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, अब आपको साइबर सेल में जाकर FIR लिखवाना होगा. बेटा हमारे तो समझ में नहीं आता ये सब. कोई बात नहीं चाची, हम बता देते हैं आपको. आइए इलाहाबाद पुलिस स्टेशन में साइबर सेल के अधिकारी बैठते हैं, उनके पास जाकर आपको कंप्लेन लिखाना है. मैं एड्रेस लिख देता हूँ. वो हमारे पैसे वापस दिलवाएंगे ना? चाची ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वहाँ जाने से पहले आप बैंक से ये जरूर लिखवा लीजिएगा कि वो 90,000 आपने नहीं उन फ्रॉड लोगों ने खर्च की. लेकिन यहाँ आने से पहले हमने फोन किया था बैंक में, उन्होंने तो कहा कि हमें पुलिस स्टेशन ही जाना होगा. बैंक मैनेजर से लेटर लिखवाना ही होगा चाची, उसके बाद ही साइबर सेल जाना, नहीं तो आपका FIR नहीं लेंगे. सर मैंने उसे बैंक जाकर लेटर लिखवाने के बाद साइबर सेल वालों के पास जाने के लिए बोला भी था. ठीक है सर, मैं बात करता हूँ. सरोज जी कल आपसे एक ऑथराइज लेटर लेने आए थे कि वो पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया बल्कि उनके साथ फ्रॉड हुआ था. हाँ सर, लेटर लेने आई थी वो, पर हम किस बेसिस पे उनको वो लेटर देते? हमारे बैंक एम्प्लॉयज अपने कस्टमर्स को हर बार अपडेट करते रहते हैं कि आप अपने कोई भी डिटेल्स किसी से भी शेयर ना करें, फिर भी उन्होंने उस फ्रॉड कॉलर को अपना OTP नंबर खुद ही दे दिया था. मैडम जी ये OTP PTP का ज्ञान नहीं है हमें, हमें इसमें कुछ नहीं समझ में आता. उसने कहा कि हम बैंक वाले. देखिए बैंक एम्प्लॉयज अपने कस्टमर से ये सारी डिटेल्स नहीं मांगते हैं, वो फ्रॉड कॉल था. माना वो आपके बैंक का आदमी नहीं था, लेकिन आप ये तो मानते हो ना कि उसने हमारे साथ कुछ गलत किया है, तो आप लिख के दीजिए ना. पुलिस ने कहा बैंक से लिखवा लीजिए लेटर लीजिए. हम आपको ऐसा कोई भी लेटर लिखकर नहीं दे सकते हैं. हाँ प्लीज पुलिस के पास जाइए, वही आपकी मदद करेगी. मैडम जी हम अभी पुलिस के पास होके आए, उन्होंने कहा लेटर लिख दीजिए. मैडम जी बेटा तुम तो जानते हो मैंने पैसे भरे थे, तुम तो सॉरी सरोज जी मैं कुछ नहीं कर सकता. सरोज के साथ हुआ फ्रॉड सरोज की बेटी विभा की गलती की वजह से भी हुआ था, जो जल्द ही विभा के बयान से साफ होने वाला था. माँ के साथ जो भी कुछ हुआ वो हमारी वजह से ही हुआ है, और उसी आदमी ने फ्रॉड किया है माँ के साथ जिसने हमें उस दिन फोन किया था. लेकिन हम तो अभी प्रेग्नेंट हैं और हमारी 3 महीने में डिलीवरी भी है, तो अगर हम आपके बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा मैडम, मैंने बताया ना हमारे बैंक में अकाउंट खोलने पर हमारा बैंक आपको 2 लाख का मेडिकल एक्सपेंस बेयर करेगा. लेकिन हम तो आपके बैंक में नहीं आ सकते, अभी हमारे लिए आपके बैंक आना तो बहुत मुश्किल होगा. कोई बात नहीं मैडम, हम आपका अकाउंट फोन पे ही खोल सकते हैं, लेकिन आपको एक गारंटर लगेगा जिसे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमें देनी होगी. आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जो आपका गारंटर बन सके? हमारे पति तो आर्मी में है, वो तो आपसे बात नहीं कर सकते हैं. हाँ लेकिन हमारी अम्मा वो इलाहाबाद में रहती हैं और वो आप लोगों से बात भी कर सकती हैं, और उनका अकाउंट भी है बैंक में. कोई बात नहीं मैडम, आप हमें उनका नंबर दे दीजिए और उन्हें बता दीजिए, हम उन्हें फोन करेंगे. सर हमने उसे माँ का नंबर दे दिया था और हमने माँ को फोन करके ये बताया था कि वो उन्हें फोन करेगा. हाँ हाँ अम्मा बिल्कुल ठीक है, वो दरअसल हमने आपको इसलिए फोन किया था कि हमें ना आपकी एक मदद चाहिए. मदद? कैसा मदद? अम्मा अभी ना आपको एक फोन आएगा, वो बैंक का आदमी है, हमारा बैंक अकाउंट खोल रहा है, आपको हमारे बैंक अकाउंट का गारंटर बनाना चाहता है. आपसे जो भी वो डिटेल्स मांगेगा बस आप उन्हें दे दीजिएगा. किस नंबर से कॉल आया था आपको? सर ये नंबर था. और सर हमें माँ ने बताया था कि उन्हें उस आदमी का फोन आया था. हेलो. हेलो मैम, मैं DSM बैंक से अमित शर्मा बोल रहा हूँ. आपका नंबर आपकी बेटी विभा ने दिया है. और सर थोड़ी देर बाद माँ ने हमें दोबारा फोन किया और उन्होंने कहा कि उनके बैंक अकाउंट से 90,000 रुपए कट गए, और उसके बाद माँ ने हमारा फोन ही नहीं उठाया. हमें लगा कि माँ हमसे बहुत गुस्सा हो गई, हमसे नाराज है. सर हमने कभी नहीं सोचा था कि माँ कुछ ऐसा कदम उठाएंगे.
रखना खुद का। क्या 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 गलत हो गया अम्मा, मुझे बताइए आप। अम्मा आप रो क्यों रही हैं? अम्मा कुछ बोलिए आप। सरोज ने आत्महत्या की थी, ये जल्द ही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ हो गया। अब सरोज के कॉल रिकॉर्ड से यह पता लगाया जा रहा था कि वो फ्रॉड कॉल सरोज को कब और किस नंबर से किया गया था, जिसके बाद उसके अकाउंट से 90,000 रुपए की फ्रॉड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई, जो सरोज की आत्महत्या की वजह बन गई। इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स में जब अकाउंट होल्डर अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, CVV और OTP नंबर इन फ्रॉडस्टर्स के साथ शेयर कर लेता है, तो वो धोखे से बच नहीं पाता है। बैंक एम्प्लॉइज भी ज्यादा से ज्यादा अकाउंट होल्डर से उसके क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट, उसकी एक्सपायरी डेट और उनकी डेट ऑफ बर्थ ही पूछ सकते हैं। और अगर कोई कॉलर इससे ज्यादा जानकारी मांगे तो आप सतर्क हो जाएं कि वो फ्रॉड कॉलर हो सकता है, और अगर आप उसके फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं तो इसकी जानकारी तुरंत अपने बैंक को दें। माना कि सरोज जैसे लोग सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, लेकिन ये कॉलर्स इतने शातिर होते हैं कि आपके द्वारा OTP नंबर ना बताने पर भी ये उसे जानने की कला रखते हैं, और आपका ATM पिन उगलवाने का हुनर भी इन्हें आता है। लेकिन इनके शिकार लोग सिर्फ बैंक को ही कसूरवार मानने की भूल कर बैठते हैं, पर असल में हमारे द्वारा की गई लापरवाही ही हमारी परेशानियों की वजह बन जाती है। और ऐसी ही लापरवाही दिल्ली के IAS ऑफिसर मोहित शर्मा से हुई, जिन्होंने एक फ्रॉड कॉलर को बैंक एम्प्लॉय समझा और उसे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और CVV नंबर बता दिया। इट्स 456। और उस फ्रॉड कॉलर ने मोहित शर्मा को कॉन्फिडेंस में लेते हुए CVV नंबर से पहले लिखे हुए 4 डिजिट नहीं पूछे। वो 4 डिजिट क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड के आगे भी छपे हुए होते हैं, जो कि वो पहले ही जान चुका था। उसके बाद उसने झांसा देकर मोहित शर्मा को उनके करंट पिन नंबर को लास्ट 4 डिजिट में जोड़कर उसका टोटल बताने के लिए कहा, और बाद में बड़ी आसानी से उसने उस टोटल में से लास्ट 4 डिजिट को घटाकर मोहित शर्मा का पिन नंबर जान लिया। तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो लास्ट ईयर की BPL की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें पॉवर्टी लाइन में, डियर सर, एज पर योर कंप्लेन नंबर 15392 वी चेक्ड एवरीथिंग एंड फाउंड दैट योर क्रेडिट कार्ड एंडिंग विद 9009 वाज यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग फॉर 3 लाख 9009 ऑन 20th September 2017। नितिन, यू प्लीज कंटिन्यू। ओके सर। So, जैसा कि सर ने बोला है कि रिपोर्ट हम सबके पास आ चुकी है, मेरा कार्ड। अपने क्रेडिट कार्ड में हुई फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए मोहित शर्मा दिल्ली पुलिस के साइबर सेल यूनिट से मिले। ये हो क्या रहा है? इन फ्रॉड्स ने मुझ जैसे ऑफिसर को चूना लगा दिया, तो आम जनता का क्या होगा? क्या इन लोगों को हमारी साइबर पुलिस का कोई खौफ नहीं है? सर, आई एम सरप्राइज्ड कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड की कॉन्फिडेंशियल डिटेल कॉलर को दे दी। मुझे बैंक के टोल फ्री नंबर से कॉल आया था, मुझे लगा जेन्युइन होगा। बैंक में कॉल किया तो वो लोग कहते हैं कि दीपक तिवारी नाम का फ्रॉड वहाँ कोई काम ही नहीं करता। बट यू जस्ट फिगर इट आउट कि इसके पीछे रियलिटी क्या है। सर, सर, आई सॉ योर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन 29 सितंबर को 60,000 और 87,000, यही फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुई थी ना आपके अकाउंट से? यस, प्लीज चेक एवरीथिंग कि मेरा कार्ड किसने यूज किया और मुझे बैंक के टोल फ्री नंबर से किसने कॉल किया था। एंड सेंड हिम बिहाइंड द बार्स। सर, विल स्टार्ट आवर इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू। सर, सरोज त्रिवेदी के अकाउंट से जो 90,000 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई थी, वो ट्रांजेक्शन 24 सितंबर की दोपहर 1:30 बजे हुई थी। लेकिन सर, उस ट्रांजेक्शन से पहले सरोज त्रिवेदी को इस नंबर से 2 बार कॉल आए थे। हेलो। और इसी नंबर से विवाह को भी कॉल आया था, लेकिन अभी यह नंबर लगातार बंद आ रहा है। सर, किसका नंबर है ये? सर, ये नंबर गोरखपुर के किसी गिरधारी लाल पुरोहित के नाम पे रजिस्टर है। सर, ये वही फ्रॉड कॉलर हो सकता है जिसने सरोज से उसके डेबिट कार्ड के डिटेल्स और OTP मांगा था। अलाहाबाद पुलिस जब गोरखपुर के उस एड्रेस पर पहुंची तो पाया कि वहां कोई गिरधारी लाल पुरोहित नहीं रहता था, और जल्द ही ये भी साफ हो गया कि वो नंबर जिससे सरोज को फ्रॉड कॉल किया गया था वो फेक ID देकर खरीदा गया था। और अलाहाबाद साइबर पुलिस द्वारा ये पता लगा लिया गया था कि सरोज के 90,000 कहां इस्तेमाल किए गए थे। सर, सरोज के डेबिट कार्ड के जरिए एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से एक LED TV और एक रेफ्रिजरेटर खरीदा गया था। सर, खरीदने वाले ने डिलीवरी एड्रेस लखनऊ का दिया था। ये किसी आशीष पांडे का एड्रेस है जिसका पता 35C आनंद नगर सर्किट रोड लखनऊ है।
सर ये डिलीवरी डेट 28 सितंबर है। यानी कि सरोज के पैसों से खरीदा गया टीवी और फ्रिज लखनऊ के इस आशीष को डिलीवर होगा। लेकिन सर अब इस डिलीवरी को रोका नहीं जा सकता क्योंकि कंपनी ने एफएक्स कुरियर के जरिए ऑलरेडी ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है। डिलीवरी कैंसिल भी नहीं करना है क्योंकि कल टीवी और फ्रिज लेने आशीष को उसके घर से मरेंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे। इनके फ्रॉड ने एक औरत को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। सुनो तुमने कुछ 5 लाख के लोन के लिए एप्लीकेशन किया है बैंक से? क्या? हाँ यहाँ पे लोन अप्रूवल का मैसेज आया है। अलाहाबाद की सरोज कुमारी और दिल्ली के आईएएस ऑफिसर मोहित शर्मा के बाद अब पुणे की वर्तिका भी एक फ्रॉड कॉलर के झांसे में आ चुकी थी। अलाहाबाद पुलिस सरोज को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले फ्रॉड्स की असल पहचान पता करने में जुटी थी। वहीं दिल्ली पुलिस भी मोहित के साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड के केस क्रैक करने की लीड तलाश रही थी और जल्द ही वर्तिका के साथ हुए फ्रॉड का केस पुणे पुलिस के पास आया। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं फिर भी आप इस कॉलर के झांसे में आ गई। सर उसने मुझे कहा था कि बैंक मुझे एक एड ऑन कार्ड इशू करेगा इसलिए मैंने उस... तुम इतनी बड़ी गलती कर ही कैसे सकती हो? विचार इसे तरी एकदा। सर वो 6 लाख का फ्रॉड हुआ है कुछ कीजिए। सर सर उसने मुझे कहा था कि उस एड ऑन कार्ड पे मुझे 5 लाख का इंस्टेंट लोन मिल जाएगा लेकिन सर मुझे वो कार्ड मिला ही नहीं और वो 5 लाख का लोन भी इशू हो गया और किसी ने वो यूज भी कर लिया और सर मेरे कार्ड से 83,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन भी हुआ है। सब पता नहीं है किसने किया सर प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए। और सब बैंक वाले हमें कह रहे हैं कि हमें ये सारे पैसे उन्हें देने पड़ेंगे जो हमने यूज ही नहीं किए सर। सर प्लीज कुछ कीजिए प्लीज हेल्प अस। डोंट वरी वी विल लुक इनटू द मैटर। सर मैंने आशीष को अच्छे से खंगाला लेकिन उसके बैकग्राउंड में इन दोनों के पहचान का कोई भी लीड नहीं मिल पा रहा और आशीष अभी तक अपने बयान पर कायम है कि उसका सरोज त्रिवेदी के साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड से कुछ भी लेना देना नहीं है। हेलो हो सकता है वो फ्रॉड कॉलर इन्हीं दोनों में से कोई एक हो। तुम अच्छे से पता करो और ये भी पता करो कि इनका कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। सर मैं साइबर पुलिस से मिलता हूँ वो पता लगा रहे हैं किस आईपी एड्रेस के थ्रू सरोज के कार्ड से शॉपिंग हुई थी। मैनेजर साहब आपके मुताबिक आपने दिल्ली के कॉल सेंटर में रीचेक किया और आपने पाया कि 29 सितंबर को दोपहर 1:17 पर जो कॉल आईएएस मोहित शर्मा को की गई वो आपके बैंक के टोल फ्री नंबर से ही हुई थी। लेकिन वहीं आप लोगों का ये भी कहना है कि वो कॉल आपके बैंक के कॉल सेंटर के किसी एम्प्लॉय ने नहीं की। यस सर आई नो डाउट वो कॉल किसी इंटरनेट सर्वर के थ्रू कनेक्टेड था। वो कॉल किस इंटरनेट सर्वर से कनेक्टेड थी किससे नहीं ये हम पता लगा लेंगे। आप बस हमें अपने दिल्ली के कॉल सेंटर के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी डिटेल दीजिए। हमें लगता है कि उनमें से ही किसी ने कॉल की होगी। ओके सर। सर मैं आईपी एड्रेस पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे सरोज के डेबिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग की गई थी लेकिन अभी तक वो आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाया है। अच्छा जिस सिम का यूज करके सरोज को कॉल किया गया था हेलो उस सिम के जरिए हम के कॉलर के फोन का IMEI नंबर ट्रेस कर सकते हैं। हो सकता है इससे फ्रॉड कॉलर तक पहुंचने में आसानी हो। सर हम कोशिश दोनों तरीके से ही कर रहे हैं। आई होप हमें जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो। ये क्या किया? डफर हो तुम समझी तुम डफर और कुछ नहीं नुकसान कर सकती हो तुम मेरा। हाँ मैंने शादी क्यों की तुमसे यही नहीं समझ में आ रहा। जिस दिन से लाइफ में आई हो उस दिन से सब बर्बादी। मेरा जॉब छूट गया अब ये बिजनेस जो है वो सेटल नहीं हो रहा। अरे पनौती हो तुम मेरे लाइफ की सबसे बड़ी पनौती। जो भी नुकसान हुआ है वो मेरा हुआ है और ना मैं पहले तुम पे डिपेंड थी ना अब हूं। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुमने मुझसे शादी करके गलती की है तो अपनी गलती सुधार दो ना छोड़ दो मुझे। जीते प्रणाम कुर्सी लाता हूँ पानी लेकर आता हूँ आप लोग रुकिए। मानव मानव तो हमारे साथ सिलीगुड़ी चल के रहे। मानव तुम उससे नाराज है क्या? पता था ना आपको कि अम्मा को ये बैंक के बारे में कोई जानकारी नहीं है फिर भी आपने उनको अगर अम्मा ने आत्महत्या की है वो आपकी वजह से की है
आप ये सब कुछ बोलती ना ये सब कुछ होता। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ अपनी अम्मा को? सर वी चेक, उन लोगों ने मालवेयर सॉफ्टवेयर यूज करके मल्टीपल आईपी एड्रेसेस जंप किए, फिर बैंक के सर्वर से कनेक्ट किया और फिर उसी बैंक के टोल फ्री नंबर से 29 सितंबर को 1:17 पे आपको कॉल किया गया। अच्छा, इसी के चलते मेरे फोन पर बैंक के टोल फ्री नंबर से कॉल आ रहा था? जी, लेकिन वो कॉल बैंक का कोई एम्प्लॉय नहीं, वो हैकर कर रहा था जिसने बैंक के उस टोल फ्री नंबर को हैक कर लिया था। लेकिन पैसे, मेरे पैसे कहाँ गए? आइए सर समझाता हूँ मैं। आपके अकाउंट से जो पैसे निकाले गए वो एक ऑनलाइन पोर्टल पे शॉपिंग करने के लिए निकाले गए। यहाँ शॉपिंग के लिए ऑर्डर दिया गया, उस ऑर्डर को कैंसिल करके पैसे यहाँ ना ट्रांसफर करके यहाँ एक ई वॉलेट में पैसे ट्रांसफर किए गए। किसका ई वॉलेट? सर यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ई वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जो कि एक ऑनलाइन सुविधा है जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से अपने कंप्यूटर से या फिर अपने मोबाइल फोन की एप्लीकेशन से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट यानी कि पैसा भी रिसीव कर सकते हैं। ई वॉलेट देश में डीमोनेटाइजेशन के पहले से चलन में आ चुका था, जिसका मकसद था रोजमर्रा के कैश के लेन देन को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। लेकिन इस तरह का ई वॉलेट रखने वालों की आइडेंटिफिकेशन की सही जाँच नहीं हो पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए RBI ने अब ये निर्देश दिया है कि सभी ई वॉलेट होल्डर्स के आधार लिंक और उनका KYC अपडेट करना अनिवार्य है। KYC यानी कि नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर की ID और एड्रेस प्रूफ की सही से जांच करना बैंक की जिम्मेदारी है। IAS ऑफिसर मोहित शर्मा के साथ हुए फ्रॉड का पैसा जिस ई वॉलेट में जमा हुआ था उस ई वॉलेट की पहचान फर्जी थी, तो क्या पुणे पुलिस वर्तिका के साथ फ्रॉड करने वालों की पहचान पता कर पाएगी? सर, वर्तिका चिटनीस के क्रेडिट कार्ड पर जो 5 लाख का इंस्टेंट लोन अप्रूव हुआ था वो नालंदा बिहार के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। बैंक को कॉन्टैक्ट कर और इस अकाउंट को इमीडिएटली फ्रीज करने को बोल। सर मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दिया। सर आपका पैसा जिस ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था वो किसी मुकुंद सिन्हा के नाम पे है, लेकिन इस मुकुंद सिन्हा के प्रोफाइल में जो नंबर है वो फेक आईडी से खरीदा गया और इसके प्रोफाइल में जितनी भी डिटेल्स हैं सारी फेक हैं। सर तो फिर मेरा पैसा मुकुंद सिन्हा के वॉलेट से कहाँ चला गया? सर दरअसल इस मुकुंद सिन्हा के ई वॉलेट से पैसा निकाल करके इन 5 अलग-अलग ई वॉलेट अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। 5 ई वॉलेट? जी। तो इन 5ों ई वॉलेट का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन हमारी पूरी टीम बड़ी मुस्तैदी से इनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द हमें इन 5ों ई वॉलेट अकाउंट्स का IP एड्रेस और उस फेक कॉलर का जिसने आपको कॉल किया था उसका IP एड्रेस पता लगा लेंगे। हो ना हो ये किसी IT एक्सपर्ट का काम लगता है। एग्रीड सर, बट ये लोग जो भी हैं हैं बहुत जीनियस। पता ये लगाना है कि ये लोग ऑपरेट कहां से कर रहे हैं। मोहित शर्मा के साथ हुए फ्रॉड का पैसा सिर्फ एक फर्जी पहचान से खोले गए ई वॉलेट में नहीं था, बल्कि उससे 5 और ई वॉलेट होल्डर्स को पैसा ट्रांसफर किया गया था। जिस पैमाने पर यह फ्रॉड हुआ था क्या उसे करने वाले अपराधी वाकई में IT एक्सपर्ट्स थे? लेकिन यह साफ था कि उनकी असल पहचान पता करने में पुलिस को अब काफी मशक्कत करनी थी। वहीं इलाहाबाद पुलिस उन लोगों की पहचान पता करने में अब तक नाकाम नजर आ रही थी जो लोग सरोज की आत्महत्या की वजह बने थे। सर मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों चेहरों से रिलेटेड ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी जिससे एक क्लू मिले कि इन लोगों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। सर अभी अभी नालंदा बैंक से फोन आया, बैंक के एक्शन लेने से पहले किसी ने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए। व्हाट? यस सर। जानकारी के बाद पुणे पुलिस टीम तुरंत नालंदा के लिए रवाना हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस के लिए एक बार फिर से उन 5 ई वॉलेट होल्डर्स की जानकारी हैरान कर देने वाली थी जिनको IT एक्सपर्ट्स के फ्रॉड्स का नेक्सस समझा जा रहा था। सर ये देखिए, यह है ई वॉलेट अकाउंट्स, शिमला, पटना, कानपुर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, सब मल्टीपल सिटीज के अकाउंट्स है। सर ये जितने भी ई वॉलेट अकाउंट होल्डर्स हैं सभी के मोबाइल बंद हैं। शिमला, इंदौर, पटना, कानपुर, नोएडा, बहुत बड़ा नेक्सस लगता है इनका, इसीलिए इतनी सिटीज में फैला हुआ है।
सर ये अकाउंट अनीस अंसारी के नाम पे रजिस्टर था। अनीस के अकाउंट में पैसा आ रहा था और वो हमेशा मिनिमम बैलेंस छोड़ के विड्रॉ कर लेता था, लेकिन इस बार उसने विड्रॉ करने के तुरंत बाद बैंक अकाउंट बंद कर दिया। ये उसके डॉक्यूमेंट से आप देख सकते हैं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। फोन तो स्विच्ड ऑफ है और जिस पैमाने पे फ्रॉड हुआ है मुझे लगता नहीं कि अनीस इस एड्रेस पे मिलेगा। अनीस के अकाउंट का गारंटर कौन था, मुझे उस गारंटर की डिटेल्स दीजिए। जी सर मैं देता हूँ। सर उन ई वॉलेट रखने वालों के फोन नंबर्स फेक आईडी से खरीदे गए थे और उन्होंने फेक एड्रेस दिए थे और वो ई वॉलेट अकाउंट्स अभी भी एक्टिव हैं। न जाने अब तक कितने कंज्यूमर्स का पैसा वो कंज्यूम कर चुके होंगे। लेकिन सर एक ई वॉलेट का पैसा नोएडा के सेक्टर 17 में ट्रस्ट बैंक में एक अभिजीत नाम के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था जो अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ है। आप कहते उसका अकाउंट में फ्रीज करा दूं? सर नहीं, अगर इसका अकाउंट फ्रीज करवाया तो वह अलर्ट हो जाएगा। इस बैंक के ब्रांच मैनेजर से मेरी बात करवाओ। ओके सर। हेलो। हाँ मैनेजर साहब, एसीपी रघुवीर राय बोल रहा हूँ। ओह यस सर, योर असिस्टेंट कॉल्ड मी, प्लीज टेल मी सर हाउ कैन आई हेल्प यू। मैनेजर साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अभिजीत को किसी भी तरह अपने बैंक में बुलाइए, कुछ भी कह के, कुछ भी ऐसा कहें जिससे वो तुरंत आपके बैंक आने को तैयार हो जाए। ओके सर आई विल डू दैट। या हेलो सर, मेरी अभी अभी अभिजीत से बात हुई है। ही सेड ही विल कम टुमारो, लेकिन टाइम नहीं बता पाया सर। थैंक यू। पुलिस अभिजीत कुमार के बैंक आने के बाद उसको गिरफ्तार करने वाली थी, लेकिन अभिजीत बैंक नहीं आया और अभिजीत कुमार नोएडा में जिस पते पर रह रहा था वहां भी ताला था और उसका मोबाइल भी बंद था। इन आईटी एक्सपर्ट फ्रॉड्स का नेक्सस पता करने के लिए अब अभिजीत कुमार के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे। वहीं पुणे पुलिस अनीस अंसारी को नालंदा बैंक में उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले अनीस अंसारी के गारंटर से मिली। हाँ सर, अनीस अंसारी जो है खरीदारी के लिए अक्सर यहाँ आया करता था, उसे नालंदा में अकाउंट खुलवाना था तो गारंटर के तौर पर मैंने साइन किए थे। उसने अकाउंट क्लोज कर दिया और यहाँ पास में जहाँ पे वो किराए पे रहा करता था वो घर भी उसने खाली कर दिया। सर ये बात मुझे भी पता चला, जहाँ पे वो किराए पर रहता था वहाँ के मकान मालिक को ये नहीं पता कि वो कहाँ का रहने वाला है, तो मेरे को अंदाजा है कि वो कहाँ से आया था। शायद सर वो जामतारा का था। जामतारा? जी सर। जिस आईपी एड्रेस के जरिए सरोज के डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग की गई थी वो जामतारा में एक्टिव था। जामतारा? जी सर। और सर सरोज के नंबर पे जो फ्रॉड कॉल किया गया था। हेलो, वो भी जामतारा से किया गया था। लेकिन जामतारा है कौन सी जगह, कौन से स्टेट में? सर सर फाइनली उस सोर्स सर्वर के आईपी एड्रेस का पता चल गया जिसे मोहित शर्मा को बैंक के टोल फ्री नंबर से कॉल किया गया था। हेलो, वो आईपी एड्रेस जामताड़ा में एक्टिव था। जामताड़ा? ये जामताड़ा है कहां पे? आखिर कहां था ये जामताड़ा जो पुलिस के लिए भी एक अनसुनी जगह थी, जहां से फ्रॉड करने वाले अपराधी तकरीबन 200 करोड़ रुपए ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लूट चुके थे, जिसमें दिल्ली के एक आईएएस ऑफिसर मोहित शर्मा और पुणे की वर्तिका चिटनिस भी इनके फ्रॉड का शिकार बने थे। और इसी फ्रॉड ने अलाहाबाद की सरोज को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एबीएस बैंक से बोल रहा हूँ। 3528-3456 सर, क्रेडिट कार्ड के पीछे से सीवी नंबर। 1 2 3 ओके सर। सर आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर है सर, आप इंटरेस्टेड हैं? आप सर आप नंबर बता सकते हैं क्या? 9735283456 82। हेलो हेलो हेलो, मैं एचयूबीसी बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच से बोल रहा हूँ। जी मैं एसबीआई बैंक के मुंबई कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ। आपका डेबिट कार्ड नंबर बोलिए। आपके क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर बताइए। मैम मैं डीएसएम बैंक से अमित शर्मा बोल रहा हूँ। क्या पुलिस इन ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अपराधियों तक पहुंच पाएगी, ये हम जानेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें
और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।